राज्यसभा में नागरिकता विवाद पर चर्चा पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपनी बात सारे विपक्ष के नेताओं ने मैंने बड़े ध्यान से धैर्य से सुना। मैं पूरी बात सुन रहा था, किसी ने एनआरसी का मूल कहा है वो नहीं कहा। सब एनआरसी क्यों आया इस देश में, इस देश की इसकी भी चर्चा इस सदन में आज होनी चाहिए। असम के अंदर जो समस्या हुई थी, एक बड़ा आंदोलन हुआ, सैकड़ों असामी लड़के शहीद हुए, जब आंदोलन काबू के बाहर गया 14 अगस्त 1985 को। प्लीज प्लीज आनंद शर्मा जी, यू आर ए सीनियर पर्सन, टाइम इज देयर इन फ्रंट ऑफ मी, मेरा सामने है टाइम, आप चिंता मत करिए। वो तो ठीक है, दोनों ठीक है जी, ठीक, ये तो समय गया, अभी स्टार्ट। मैं मेरी बात समय में समाप्त करूंगा आपके इंटरप्शन के टाइम के अलावा। इन 1985 14 अगस्त 1985 को श्री राजीव गांधी ने एक आसाम एकॉर्ड साइन किया और 15 अगस्त के लाल किले पर से भाषण में उन्होंने इसको डिक्लेयर किया। क्या था आसाम एकॉर्ड का आत्मा? आसाम एकॉर्ड का आत्मा ही एनआरसी था। एनआरसी में, एनआरसी का मतलब क्या है, एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके आई नो व्हाट टू डू, शुद्ध अपना काम करिए, सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा। वचन वार्ड का काम तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय,
लोकतंत्र है क्या? We are House of Elders. We are supposed to show maturity and behave in a dignified manner. I appeal to all, please go to your respective seats. तो राज्यसभा में जमकर हंगामा हो रहा है नागरिक विवाद पर। अमित शाह ने राज्यसभा में जब अपनी बात रखी, उन्होंने कहा 1985 में राजीव गांधी के वक्त में ये असम समझौता हुआ था। इस असम समझौते की आत्मा में एनआरसी कांग्रेस में हालांकि हिम्मत नहीं थी इसे लागू करने की, हमने हिम्मत दिखाई, लागू किया। फिलहाल आपको बता दें 10 मिनट के लिए राज्यसभा स्थगित कर दी गई है क्योंकि अमित शाह के इस बयान के बाद राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।